अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ फैसल हुसैन। आज हम बनाने जा रहे हैं बैटर वाला पराठा। आपने लच्छे वाला पराठा खाया होगा, नॉर्मल जो पराठा बनता है उसे भी खाया होगा, डो वाला पराठा भी खाया होगा जिसका आटा बनता है, पेड़े बनते हैं। लेकिन मैं आज बहुत इजी तरीके से और बहुत ही क्विक रेसिपी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि हम पहले एक बैटर बनाएंगे। जैसे पैनकेक का बैटर बनता है, बनाना बहुत ही आसान, ना गूंदने की टेंशन आटे को, ना और उसकी कोई टेंशन आपने पाल ली है। सिंपल एक बहुत ही आसान तरीके से हम बैटर बनाएंगे और उसी बैटर से हमें झटपट सा पराठा बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पराठे का बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैदा लिया है, मैदे के अंदर सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट के अंदर फिर मैंने ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर के बाद गार्लिक, गार्लिक के बाद चॉप हुआ हुआ धनिया, धनिया के बाद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हमने मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों आपने पानी ऐड करना है, एकदम सारा पानी ऐड नहीं करना वरना मिक्सर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, मिक्सर थोड़ा थिक था तो मैंने इसके अंदर पानी और ऐड कर दिया, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। खूब अच्छी तरह विक्स हमने मारनी है इसके अंदर ताकि कोई भी लम्ब्स ना रह जाए। टेक्सचर आपने देखना है, इसकी थिकनेस आपने चेक करनी है, थिकनेस पतली होनी चाहिए इसकी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगा, बटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा विस्क को उठा के हम देख लेंगे कि इसका मिक्सर की थिकनेस आप लोगों को दिख रही होगी, इसी थिकनेस पे आपने इस बैटर को रखना है। उसके बाद एक नॉन स्टिक पैन के अंदर हम मिक्सर डालेंगे। मिक्सर डालने के बाद हमने उसे स्पून से अच्छी तरह साइडों पे मिक्स कर लेना है और एक गोल पराठे टाइप का शेप दे देना है हमने इसे। शेप देने के बाद थोड़ी इसकी एजिस आप लोगों को दिखेगी, एजिस पक जाए थोड़ी सी तो उसके बाद आपने अपने पराठे के बैटर को पलट देना है। पलटने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये, इसमें आपने ऐसा करना है कि इसकी एजिस और बीच में सेंटर में से थोड़ा बहुत पराठे को हल्का हल्का आपने रबड़ के स्पैचुलर से प्रेस करते रहना है। थोड़ा साइड को आप घुमाएंगे, घुमाने के बाद फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर इसी तरह करके आपने रिपीटेडली इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद आपने इसकी साइड को फ्लिप करना है। आपको जैसे कि टेक्सचर दिख रहा होगा पराठे के ऊपर का, इसमें अभी थोड़ा सा बैटर ऐसा लग रहा है जैसे ऑयली है। अब इस मिक्सर को आप जब पकाते रहेंगे, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे मिक्सर थोड़ा सा ख़राब बन गया या कोई मसला है, कुछ भी नहीं करना। आपने उस मिक्सर को सिर्फ और सिर्फ हल्की थोड़ी सी मीडियम हीट के ऊपर, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है आपने, उस हीट के ऊपर आपने मिक्सर को पकाते रहना है, उसकी एजिस को प्रेस करते रहना है। जैसे कि आप जो पराठा है हमारा उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ब्राउनिश कलर आना शुरू हो गया, इसी तरह सेम आपके पराठे के ऊपर भी कलर आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपने इसे थोड़ा सा तहम्मुल के साथ इसकी एजिस को दबाते रहना है और मीडियम हीट के ऊपर अपने पराठे को पकाते रहना है। जब आपके पराठे के ऊपर कलर आ जाए तो उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है जगह को, साइडें आपकी फूलने लगेंगी, जैसे कि इस पराठे की भी फूल रही होंगी। अभी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पराठे की साइडें कैसे फूल रही हैं। दोस्तों बहुत इजी रेसिपी है ये, ना आटा गूंदने की टेंशन, ना आपको पेड़ों की टेंशन, बिल्कुल सुकून से आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। अब ये मिक्सर आपको दिख रहा होगा कि पराठा बिल्कुल हमारा तैयार होता जा रहा है, तो लास्ट में मैं इसके अंदर बटर ऐड कर दूंगा। बटर ऐड करने के बाद फिर वही इसकी एजिस जो किनारियाँ हैं हम उसे दबाते जाएंगे और अपने पराठे को पकाते जाएंगे। अब इसके ऊपर कलर बहुत खूबसूरत बेहतरीन सा पराठे वाला कलर आता जा रहा है, जैसे कि ये मिक्सर आप देख रहे हैं फूल चुका है पराठा हमारा, तो उस जगह को मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगा और पराठे की एजिस चेंज कर दूंगा। दोस्तों इस तरह हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने दोस्त अपने शेफ़ को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपने शेफ़ को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।